हाँ भैया। ओम बाबा जी। ओम मेरी मैया। मैं महाराष्ट्र से हूँ। क्या नाम हुआ? शोभा देउलकर। शोभा, हाँ। कहाँ से हो? मैं यवतमाल, नागपुर के पास है। हाँ, यवतमाल जानता हूँ, पूरा महाराष्ट्र घूमा मैंने तो। हाँ। क्या फायदा तो हुआ? मुझे कोलाइटिस था 2022 को। हाँ। तो मैं योगग्राम आई थी, वहाँ मेरा पूरा ट्रीटमेंट किया, मुझे पूरा आराम मिला। और आर्थराइटिस था बहुत, मैं बैठ नहीं सकती थी, खड़े नहीं रह सकती थी। ये दोनों ही खतरनाक बीमारी है, लोग कहते हैं दोनों ही ठीक नहीं होती। मुझे नीचे बैठने की, खाने की आदत थी, तो मैं, मुझे घर के लोग सब बोलते थे ऊपर बैठो, चेयर पे बैठो। मैं नहीं खाती थी, तो भी मैं बैठ के खाना खाती थी। ए राम। तो भी मेरा, मैंने यहाँ आने के बाद मेरा आर्थराइटिस पूरा क्लीन नॉर्मल हो गया। आर्थराइटिस ठीक कर लिया। हाँ, और मुझे मेरी मम्मी पप्पा को शुगर, बीपी, और मेरी मम्मी को आर्थराइटिस था। तो मेरी मम्मी तो आर्थराइटिस की वजह से गुजर गई, मेरे पापा डायबिटीज की वजह से गुजर गए, लेकिन मुझे डायबिटीज, बीपी बिल्कुल नहीं है। जेनेटिक बीमारियों को भी रोक दिया। हाँ। ये मैं कहता हूँ कि रोग तुम्हारा स्वभाव नहीं, योग तुम्हारा स्वभाव है, शोभा उसका प्रमाण है। मैं 2022 से आपसे जुड़ी हुई हूँ, स्क्रीन पे देख के मैं योगा करती हूँ, बाकी लोगों को भी मैं सिखाती थी लेडीज को, लेकिन वो कोरोना का टाइम है, उस टाइम मैंने थोड़ा बंद कर दिया। अब दोबारा शुरू कर दो बेटा। हाँ, करेंगे। हाँ, सबको ये करना है, माँ बहन बेटियों को। और मैं दिवाली के टाइम थोड़ा एग्जर्शन हुआ, तो मुझे बीपी का थोड़ा प्रॉब्लम आया था, तो मैं हॉस्पिटल गई, तो उन्होंने बीपी का, मेरा 187 बीपी था ऊपर का, और नीचे का 110 था। तो उस टाइम उन्होंने मुझे बोला कि रोज गोलियाँ लेने पड़ेगी, तो मैंने 4 दिन गोली ली। बाद में मैंने मुक्तावटी ली, बीच में मुझे मालूम था ये बीपी का गौर होती, तो मैंने पूरा बंद कर दिया एलोपैथी का। तो कोई रिलेटिव्स बोल रहे थे कि बंद नहीं करना था, तो मैंने नहीं, मन में सोच लिया मार बाबा जी का आशीर्वाद है इसमें, तो मैंने वो बंद कर दिया, बिल्कुल गोली नहीं बीपी की, मुझे कुछ भी नहीं। अब क्या, अब कितने साल से गोली नहीं खा रही है? है नहीं गोली, गोली बंद। अभी ये दिवाली का टाइम, ये तीनों बीमारियां असाध्य है, कोलाइटिस, अर्थराइटिस और बीपी, और शुगर से पिता की मौत हुई। बीपी शुगर जेनेटिक है परिवार में, मेरे भैया को भी शुगर है, बीपी है, दोनों भी है उसको। भाई को बीपी शुगर दोनों है लो, और ये योग कर रही है, फिर भी लोग समझते नहीं। अब शोभा सबको समझाना और खूब योग कराना, ठीक है? और एक बात बताती हूँ बाबा जी, मुझे पेट का प्रॉब्लम आया था 1999 में। तो उस टाइम क्या हुआ, पूरा क्या बोलते हो, सोनोग्राफी वगैरह की कुछ नहीं निकला। 1.5 महीना तक मैंने कंटिन्यू गोली ली एलोपैथी की, तो उस टाइम मुझे साइड इफेक्ट हो गया था, ये पूरा स्किन एलर्जी हो गया, काला पड़ गया था, जो ऊपर का भाग है, मुझे पहचानते नहीं थे कोई लोग ऐसे। तो बाद में मैंने योगा करके इतना कवर कर लिया, बाकी कुछ भी नहीं किया। दवाइयाँ खा करके काली पड़ गई, सिंथेटिक दवाइयाँ तो अंदर से फूंक देती है। मैं कभी लेती नहीं हूँ, बहुत ऐसे लेती नहीं। हाँ, उस समय ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। चलो खुश रहो शोभा, अब योग करना और उनको कराना, ठीक है? प्रणाम बाबा जी। सब अब संगठन से जुड़ो, ये भी करना है सबको। आपने क्या ठीक किया बेटा? प्रणाम स्वामी जी, मैं निमेन कोठारी कोलकाता से आया हूँ। क्या नाम बताया? निमेन कोठारी। निमेंद्र? हाँ, कोठारी। हाँ। मुझे ओबेसिटी की तकलीफ थी, गैस और एसिडिटी बहुत बनती थी। हाँ। कुछ भी खाओ उसके बाद तुरंत गैस हो जाती थी पेट में, खांसी यहाँ पे। अभी यहाँ मैं 6 दिन से हूँ, 5.5 kg मेरे कम हुए, और 3 दिन से नारियल पानी पे ही हूँ। हाँ, ये मैंने नया प्रयोग करवाया है, नारियल पानी पर उपवास, और मोटापा तो ऐसे जाता है और कमजोरी बिल्कुल नहीं आती। एक एक प्रयोग ऐसे नहीं है, इसके पीछे बहुत अनुभव जुड़ा हुआ है, अनुसंधान जुड़ा हुआ है। और गैस एसिडिटी एकदम सही हो गई अभी। ला, चलो भाई, जोरदार अभिनंदन। प्रणाम स्वामी। खुश रहो बेटा, मैया को दो। हाँ जी बहन जी, प्रणाम। क्या नाम हुआ? मंजू वैष्णव सर, मेरा नाम राजस्थान भिलवाड़ा से। मंजू? हाँ। मंजू वैष्णव, क्या फायदा हुआ बहन? सर मुझे गठिया बाई की शिकायत थी,
और सभी हॉस्पिटल में दिखाया, टेबलेट लेती उसमें तो मैं ठीक रहती, और वरना तो ऐसे लंगड़ी लंगड़ी जैसे चलती, लंगड़ी चलती थी। हाँ, और ये गठिया तो पूरे शरीर को जाम कर देती है ना। हाँ, तो इससे मेरे परेशानी हो गई। फिर मैंने आपका देखा चैनल पे और यहाँ आई, और चार पाँच दिन हो गए, चार दिन हो गए मेरे को, चार दिन में मैं आराम से स्ट्रेट चल सकती हूँ, आराम से अब सीधी चलती है, बिल्कुल सीधी चलती हूँ। कहाँ गया पता नहीं, कहाँ गायब हो गया। और दर्दों का यहाँ 100% इलाज है। क्यों? एक तो खटाई बंद कर देते हैं, दही छाछ नींबू चाट टमाटर कुछ नहीं देते, एटीएम की सब्जी देते हैं, उपवास ऊपर से कराते हैं, सारा वात तुम्हारी अंदर की जठराग्नि इतनी प्रज्वलित हो जाती है, वो खा जाती है। फिर वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, बस्ती, बाह्य बस्ती, आंतरिक बस्ती, बस्तिर वात हराणाम, वो ठीक हो जाए। अब चल सकती है? हाँ सर, आराम से चल सकती हूँ। लो माइक तो उसको दो, आप उसको आप दौड़ के दिखाओ। अरे ये तो सच में दौड़ रही है। चलो ऊपर आ जा दौड़ करके, इसने तो कमाल ही कर दिया। नहीं, जिसे चला नहीं जाता था वो दौड़ने लगता है, लेकिन इसके लिए ना परहेज बड़ा सख्त करना पड़ता है। इस मामले में मैं थोड़ा सा कठोर आदमी हूं, इसमें कोई रियायत नहीं देता। ये कहता हूं देखो भाई, ये खाना है ये नहीं खाना है, अब इसमें मनमर्जी नहीं चलेगी। ये लो, ये तो दौड़ के यहां पहुंच गए, बड़ी जोर की छोरी है भाई। जा मंजू के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई, जो लचर पचर चल रही थी अब दौड़ रही है। उम्र कितनी है? 43 की उम्र है। चल ऐसी दौड़ती रहेगी 100 साल तक, और वजन भी कम हो जाएगा। हाँ बोरी सो भर रखो है, थायराइड भी है, वो भी निकल जाएगा। मंजू थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस सब ठीक होता है, देख रही है उन्हें। जाओ खुश रहो। हाँ जाओ। स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। शंकरलाल कुमावत भीलवाड़ा राजस्थान से आया हूँ सर। हाँ। और श्रीमती जी को भी साथ में लेकर आया हूँ, सीमा कुमावत। हाँ। इनके 82 किलो वजन था, अभी 74 वजन है, 3 दिन में ही 8 किलो वजन कम हुआ है। 3 दिन में 8 किलो? जी स्वामी जी, सच्ची बात बोल रहे हो? सच्ची, 100% सच्ची है स्वामी जी। ये पति बेचारा पतला सा इनके, और पत्नी का वजन ज्यादा बढ़ गया। इनके बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और थायराइड की प्रॉब्लम है स्वामी जी। 2010 से थायराइड की प्रॉब्लम थी, अभी थायराइड चल रहा है, इसके ट्रीटमेंट एलोपैथी की टेबलेट भी चल रही है। 78 से कितना आ गया? 82 से 74 है। 82 था, आज 3 दिन हुए, यहाँ 4th दिन आज। तो इतनी जल्दी घटाए, तो क्या खा रही है बहन? इसको देना सीमा। सब्जी खा रही हूँ। सब्जी सब्जी लौकी की सब्जी मिलती है स्वामी जी? यहाँ 6 साल से इसका वजन 82 ही था, कम घटी नहीं, नहीं हो रहा था। हाँ लोग कहते हैं ना वजन स्टक हो गया, नीचे ही नहीं आ रहा। अभी 2010 से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, और योग शिक्षक भी हूँ, रेगुलर योग की क्लास भी लगाता हूँ। क्या बात, ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए भाई, सबको योग सिखाओ। लेकिन इसको पहली बार ही लेकर आया हूँ यहाँ। चलो खुश, इसने तो कमाल कर दिया भाई, ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं, 3 दिन में 4 दिन में 8 किलो, 2 किलो वजन रोज का। 3 दिन हुए कि 4 दिन? 3 दिन में स्वामी जी, आज 4th दिन है। 3 दिन में 17 तारीख से आया हूँ मैं यहाँ। समझ ही नहीं आ रहा 8 किलो कैसे कम हो गया। स्वामी जी आशीर्वाद चाहिए आपका। चलो ऊपर आओ, इतना सेवा करता है बालक। और थायराइड हो गया जी, शुगर हो गया जी, बीपी हो गया जी, और इसी में लोग परेशान रहते हैं और ऐसे झेलते रहते हैं। ठीक है जी, अब ये तो सभी को होता है जी, बीमारी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, जैसे बीमारी का पता लगे इसको खदेड़ दो, हटा दो, मिटा दो। हाँ कल एक बहन बोल रही थी, हमारी मेजर बहन है, कल मेजर बहन थी ना मिलिट्री वाली। हाँ बोले स्वामी जी, हम जैसे मिलिट्री में रहे तो शत्रु का तो पता लगते ही तुरंत भगाते नहीं, तो देश में
खतरा पैदा कर दे। ये तो बीमारी रूपी शत्रुओं को पाल के नहीं रखते हम। अब सारी बीमारी हटा दी उसने, हैं इंदु, मेजर इंदु। बोले बाबा जी आपकी एक एक बात मैं ध्यान से सुनती हूँ और उसको करती हूँ। जाओ बाबू। अब सीमा लगी रही हो, बीपी शुगर सब ठीक हो जाएगा। हाँ अब वजन दोनों स्टोन निकाल दिए, और भी निकल जाएगी, लेता हूँ लग। चल खुश रहो। हाँ भैया। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। अनुलोम विलोम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम, कोई बात नहीं, सब हम पंडित जी भी हैं, स्वामी जी भी हैं, डॉक्टर भी हैं। क्या है इसमें? मैं कोलकाता से आई हूँ। हाँ, क्या नाम है? राधिका भट्ट है मेरा नाम। राधिका, मैं आपका ना इंडिया टीवी से प्रोग्राम देखती थी, मैं कब मिलूं सोचती थी, क्योंकि मेरे कमर में मेरा बीपी भी है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, गॉल ब्लैडर में स्टोन भी है। यहाँ मैं 5 दिन से आई हूँ, मेरे कमर में बहुत दर्द था लेकिन मेरे को बहुत आराम है, और मेरा वेट भी कम हो गया। मेरा वेट था 74, अब मेरा हो गया 71। 5 दिन में 3 किलो वेट मतलब कम हो जो गया। घटता नहीं था, स्टक हो गया। हाँ, था, वो भी नीचे खिसक हाँ, रहा। जी जी। और मैं जैसे व्रत लेती थी कि मेरा वेट घटे घर में, तो नहीं हो पाता था। व्रत करने से भी नहीं होता था ना, जो यहाँ आके 5 दिन में ही ठीक हो गया। अब ये रास्ता मिला, इसको छोड़ना नहीं राधिका। जी ठीक है, चल खुश रहो बहन। धन्यवाद। ओम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। मैं अमित मेहंदीरत्ता, फरीदाबाद हरियाणा से। अमित मेहंदीरत्ता। वाइफ मेरी धर्मपत्नी अंशुल मेहंदीरत्ता, फरीदाबाद से, हरियाणा से। इनको स्वामी जी एक्जिमा था, सोरोसिस एक्जिमा, पूरी स्किन प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा। जो कई जगह ट्रीटमेंट कराया बट आपके यहाँ आके ठीक हुआ, मतलब आपकी दवाइयों से, योग से बिल्कुल ठीक हो गया। जो इसको देना अंजुल को। ओम स्वामी जी। हाँ। अंशुल नाम है मेरा जी। अंशुल जी, स्वामी जी, मेरे को हाथों में 2016 में एक्जिमा हो गया था। हाँ। तो बहुत ज्यादा हाथ कट कट के रेड रेड हो गए थे, बहुत जलन, तो खुरदरे 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 जलन, और बहुत मतलब ऐसे हीट निकलती थी। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, फरीदाबाद में, दिल्ली में भी दिखाया, बहुत जगह स्किन स्पेशलिस्ट के पास गए, लेकिन फिर पतंजलि में दिखाया तो यहाँ की दवाइयाँ ली, गौ अर्क पिया, नीम वट्टी, घन वट्टी, कायाकल्प, और भी कई दवाइयाँ पी। हाँ, बहुत थी, तो 1-1.5 महीने में ही पूरा सिरोसिस खत्म हो गया। ये बहुत पूरा एक साल मेरे हाथों में दिक्कत रही थी। एक्जिमा बहुत खतरनाक है, खा लो, लगा लो औषधि, खा भी लो, गोधन अर्क पी भी लो और लगा भी लो, उसमें थोड़ा एलोवेरा नीम और लगा लो, पूरा ठीक होता है, सामने प्रमाण खड़ी। उसके अलावा 2014 में मेरी पहले डिलीवरी हुई थी, बेटा 9.5 का, तो उसके बाद 2 बार मिसकैरेज हुआ 16 में 19 में, तो डॉक्टर्स ने बोला कंसीव नहीं कर पाओगे, दिक्कत आई, तो फिर खूब योगा किया, आपका ही चैनल देख के आपसे प्रेरित हो गए, फिर 2023 में ये एक संत पैदा किया मैंने, ये एक बहुत खूब योगा मेडिटेशन करी, तो ये इस नॉर्मल डिलीवरी हुई और तंग भी नहीं किया, बहुत जल्दी हो गया था। मतलब क्या नाम है इसका? अंजनेय। अंजनेय जी। चलो भाई अंजनेय को ऊपर लेकर के आओ, और प्रमाण के साथ आइए। इनफर्टिलिटी भी ठीक होती है, ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं इसको। और हमने अपने बड़े बेटे को पतंजलि गुरुकुल में भी करवाया एडमिशन, क्लास 5th में इस साल। अब तो पूरा ही जुड़ गए कि जो बाबा हमको शिक्षा दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं जी, ये हमारी सनातन शिक्षा पद्धति, सनातन चिकित्सा पद्धति, ये बात अप्रतिम। चलो खुश रहो बहन, आओ इधर आओ, लेके आओ इसको आंजनेय को। आंजनेय जी, बड़ा खुश हो रहा आ भाई, जय हो, जय श्री राम जी। आंजनेय बाबू चलो खुश रहो, खुश रहो बेटा, और तुम वो लगा लेना केश कांति एडवांस, दो बाल झड़े हैं भी आ जाएंगे, जा सच्ची आ जाते कल आप। अरे उसका एक बार फोटो दिखाना, रागिनी का तुमने पहले सेव किया था एक बार, पूरे बाल गंजे वापस आ गए। जय हो आंजनेय जी, तो बड़ा भाई प्यारा बच्चा है, योगी बच्चा है ना, योग कर, योग से पैदा हुआ है। चलो बात आशीर्वाद, खुश गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत उन्नयन, अब संस्कार कर रहे हैं बच्चों के, सुन रहे हैं हमको ना, जो बालक ध्यान से सुनते हैं मुझे वो
सब बातों को मानते हैं, अच्छी बात है। क्या नाम बेटा आपका? ज्योति। ओम गुरुजी। क्या ज्योति मिली ज्योति तुझे? माँ गुरुजी पिछले 12 साल से मुझे कमर में बहुत दर्द था, तो हमने 5-6 साल। तुम्हारी तो उम्र भी थोड़ी सी है। हाँ, थोड़ी सी उम्र में परेशानी हो गई थी, 2009 में 10 में हो गई थी दिक्कत। हाँ। तो फिर हमने बहुत एलोपैथी दवाइयाँ खाई। हाँ। इवन मेदांता के डॉक्टर्स ने ये बोल दिया लास्ट में कि आपके पास 4-5 साल लास्ट हैं और फिर आप पैरालाइज्ड हो जाओगे। हे राम। तो फिर हमने बंद कर दिए वो दवाइयाँ और एक्यूप्रेशर वगैरह ये सब करवाया, तो उससे आराम होना शुरू हुआ। उनके इंजेक्शन की वजह से टांगों में भी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन अब यहाँ आई हूँ। पहले ऐसे चलती थी पेंगुइन की तरह, और अब स्टेबल हूँ, सीधी चलती हूँ, बिल्कुल प्रॉब्लम आ रहा है। चलो भाई, जोरदार अभिनंदन है। छोटे छोटे बच्चों को बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और वो लंगड़ी हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगा, ऐसे डराते हैं। अब समझ आई भाई, रास्ता तो यही ठीक है। क्या ठीक किया बहना आपने? मेरा नाम स्वामी जी, मेरा नाम है शिवानी और मैं दिल्ली से आई हूँ। मेरे को मार्च और अप्रैल में पीरियड्स डबल आए थे, तो जो सेकेंड टाइम पीरियड्स आते थे ना, वो 10 डेज जाते थे, और एक दिन में मतलब इतना ब्लड निकलता था ना, ऐसा लगता था ओवर ब्लीडिंग, ऐसा लगता था जैसे लिक्विड, बिल्कुल जैसे बॉटल का ब्लड है ना वो। तो फिर डॉक्टर को दिखाया तो उसने फाइब्रॉइड्स बताए, पर एक ये था कि मेरे को अंग्रेजी दवाई नहीं खानी, घर पर ही मैंने कपालभाति की और मैंने वो खाया, क्या उसे गौमूत्र पिया मैंने सुबह, और हलासन किया क्योंकि सुन रखा था ना आपके सत्संग में। फिर उसके बाद से नेक्स्ट पीरियड तो नॉर्मल है। फिर उसके बाद जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरे को जून में ही टाइम मिलता है कहीं पे जाके कोई भी कुछ करने का, तो इसलिए मेरे को था मैंने यहाँ आना है। यहाँ आकर मैंने घुटनों पे भी सिंगी लगवाई है और यहाँ भी सिंगी लगवाई है, और मेरे घुटनों का ये हाल था कि डॉक्टर ने बोला था कि आप वो करवा लो घुटने जो चेंज करवा लो। तो फिर मैंने कहा वो तो नहीं करवाने। अब क्या हाल है? अभी तो सही है बिल्कुल। अभी तो जो घुटने का ऑपरेशन के लिए बोल दिया था अब, लेकिन खान पान पर ध्यान रखना, खट्टी चीज कतई नहीं खाना। दही छाछ नींबू अचार टमाटर कोई खट्टी चीज नहीं, बाईबादी की चीज नहीं। थोड़े दिन यहाँ जो परहेज बता रहे हैं, योग बता रहे, बस उसको करना शिवानी, ऐसे ही खुश रहोगी। शुक्रिया। खुश। ओम सुमा जी, परम पूज्य। ये देखो ये बेटी का एक बार फोटो देखो, इसका बाद में पूछते हैं। ये बेटी देख रहे हो ना, इसको क्लोज करके दिखाओ। ये देखो, ये पूरी गंजी हो गई थी, हथेली की तरह इसका सिर हो गया था। कल बुलाया इसको, आ रही है ना। ये इसके माता पिता भी इतने चिंतित कि बेटी का होगा क्या और हो क्या गया, ऑटोमेन डिजीज बोलते हैं इसको। अब ये रागिनी के ऐसे बाल आ गए, ये दूसरा है। जोरदार अभिनंदन, ये है योग का चमत्कार। लोग कहते क्या होता है योग से, बकवास है ये है। ये रियल है, कोई मुंडन करके नहीं उसके बाल कहो थे, वो पूरे इंद्रलुप्त तो बोलते हैं, एलोपेशिया 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 था इसको, रागिनी को एलोपेशिया ठीक कर लिया, इतना जबरदस्त है। लेकिन ये जो बताते हैं उसको जो पूरा करते हैं उनको 100% लाभ होता है। केश कांति एक लेप लगाते हैं, यहां सबके लिए है वो उपलब्ध, केश कांति लेप, केश कांति तेल। फिर भी पता नहीं क्या बकवास तेल लगाते रहते हैं, मिनरल ऑयल के नाम पर केमिकल ठोकते रहते हैं माथे में। चलो बेटा आप बताओ। ओम स्वामी जी, परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में मैं प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। मैं पिछले 6-7 साल से मेरा बैक पेन था जो कमर से लेके नीचे अंगूठे तक जाता था, ऐसे लगता था कोई तार डाल रखा है उसमें। मेरे को पूरा 90% सुधार है। उसके बाद ओनली 7 दिन में मेरे को सुधार हुआ था। मेरे को जैसे ही सुधार हुआ था मैंने एक्सटेंड कर लिया, 7 दिन के लिए और बढ़ाया। साथ में मेरे माताजी का बैक पेन दिक्कत थी तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया, उनको भी कुछ सुधार चल रहा है। बाकी मेरे जेनेटिक प्रॉब्लम थी एलर्जी की, जो सुबह उठते ही नाक से छींक और पानी ऐसे चलता था कि वो रुक ही नहीं पाता था। अब सभी बैंक में जॉब करता हूँ, सीट उनके सामने बैठना मुश्किल हो जाता, बार बार बाथरूम के पास खड़ा रहता था, चक्कर लगाता रहता था। अभी वो मेरे बिल्कुल भी एक छींक तक नहीं आती, एक छींक तक नहीं आती। ये कई तरह की एलर्जियाँ होती हैं, और एसिडिटी की प्रॉब्लम, एलर्जी खाने पीने की एलर्जी, स्किन की एलर्जी, सारी एलर्जी भाग जाती है, योग से आ जाती है एनर्जी।
ये प्रमाण खड़ा बच्चा, क्या नाम बेटा? देवेंद्र सिंह, राजस्थान झुंझुनू से आया हूँ स्वामी जी। खुश रहो। और मेरे ससुर जी देखते थे आपको आस्था चैनल पर सुबह सुबह, उन्होंने मेरे को गाइडनेस किया, उनके कहने से मैं आया। और एसिडिटी की जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल एकदम सही है सर, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है अभी। चलो खुश रहो। प्रणाम स्वामी जी। जी बहन, क्या ठीक किया? मैं बॉम्बे से आई हूँ। हाँ पास में रखो माइक, हाँ थोड़ा तेज आवाज ठीक करो बेटा। ओम बाबा जी। हाँ मैं बॉम्बे से आई हूँ, मेरा माइग्रेन इतना ज़्यादा था ना, मैं रात रात भर से दो दो दिन ऐसा सोती थी नहीं, इतना रोती थी मैं, ओ चिल्ला चिल्ला के पूरा घर मेरा बहुत, अभी तो रो रहा था चिल्ला चिल्ला करके पूरे घर को सिर पे उठा लेती थी। हाँ मेरे लिए बहुत परेशान रहते थे मेरे घर वाले। कितने सालों से था ये? मेरे को 10-15 साल से। बहुत खतरनाक होता है, मतलब फिर उस समय कुछ सूझता ही नहीं, उस समय ऐसे लगता है सिर्फ फोड़ लो दीवार में मार के, बांध करके पड़े रहते, अंधेरे कमरे में पड़े रहते, पेन किलर खा के पड़े रहते। नहीं बाबा जी, मैं तो नींद की गोली लेती थी, दो दो दिन उठती थी नहीं। बोलो, कई कई गोली नींद की खा लेते और ज्यादा खाओ तो मर जाए। हाँ इसलिए बहुत। नाम क्या है आपका? सविता राठौड़। अब क्या हाल है? अभी बहुत अच्छा लग रहा है बाबा जी। यहाँ पे आके मैं दो बार हो गया मेरे को, एक बार आई थी एक दो साल के बाद, अभी दो साल के बाद आई हूँ। दो साल पहले? दो बार हो गया। हाँ दो साल पहले। अब ठीक हो गया ना? अभी बहुत ठीक लग रहा है बाबा जी, बहुत। लो भयंकर माइग्रेन पेन ठीक कर दिया। चलो बहुत आशीर्वाद सविता के लिए, भाई को देना। आप लोग अनुलोम विलोम करो, ये जो बादाम रोगन डालते हैं, अणु तेल डालते हैं, ये सब सिर दर्द के लिए तो है। जी भाई साहब। ओम स्वामी जी, मैं चंद्रकांत चावला पंचकुला से आया हूँ। जी भाई साहब। दूसरी बार आऊँ, पिछले साल भी आया था लेकिन आप मिले नहीं थे, तब आप प्रयागराज गए हुए थे। तो मैंने 30-35 साल पुराना अस्थमा ठीक किया है। क्या 30-35 साल पुराना? लोग कहते हैं दमा तो दम के साथ ठीक हो गया। कोरोना के टाइम दोबारा हो गया था, फिर मैं पिछली बार आया, मेरा इनहेलर सब छूट गए, ब्लड प्रेशर। कोरोना के बाद तो ये बहुत भयंकर खराब हुआ है फेफड़ा। ब्लड प्रेशर की दवाई बंद हो गई है। लो, यूरिक एसिड दोनों असाध्य बीमारी मानते हैं, ब्लड प्रेशर भी और अस्थमा भी। यूरिक एसिड नॉर्मल हो गया है। यूरिक एसिड से जोड़ जाम हो जाते हैं। एसिडिटी होती थी बहुत ज्यादा, यूरिक एसिड ऊपर से एसिडिटी, और गले में आ जाता था सोए सोए तो उठना पड़ता था एकदम से, इतना ज्यादा हो जाता था। वो बंद हो गया बिल्कुल भी। बहुत जोरदार अभिनंदन है भाई। मैं अपने भाई को लेके आया, उसको भी अस्थमेटिक है अभी, उनको भी ठीक है। हाँ इसमें खजूर कल्प करेंगे, लंग बस्ती करेंगे, खान पान भी बहुत ध्यान है। चलो खुश। फादर को भी था मेरी। हाँ, जेनेटिक अस्थमा ठीक किया, जेनेटिक है। क्या बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मेरा 2015 से बीपी इतना बढ़ जाता था, इतना बढ़ता था कि मैं कह ही नहीं सकता। कि भी एक बार तो मेरे को नसों की प्रॉब्लम हो गई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ आकर बहुत बहुत अच्छा लगा कि मेरी बीपी बिल्कुल सही हो गया। नॉर्मल। क्या नाम है? संजीव। संजीव दिल्ली से। अब बीपी कल तो एक भाई जो असाध्य रोगियों में था वो बोल रहा था, जी मेरा क्रिएटिनिन जो बढ़ा, जितेंद्र बता रहा था 290 और नीचे का 190 बीपी हो गया था। ऐसे ऐसे रोगी, और अब दवाइयां बंद है और बीपी नॉर्मल बिल्कुल। और ये भाई बता रहा अभी 2015 से इतनी दवाई खाई थी मैंने, नसों की बहुत चल रही थी, अब मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल है और साथ में पेट भी बहुत सही हो गया है, वेट भी लूज हो गया मेरा। ये बीपी शुगर भी बहुत बड़ी बीमारी है, लोग इनको हल्के में लेते हैं। चलो खुश रहो संजीव। हाँ भाई जल्दी जल्दी करके कपाल बहाते हैं, अनुलोम विलोम आप लगातार कीजिए। हाँ बेटा। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन जी। स्वामी जी एक साल पहले मेरा कान का जो इयरिंग्स नर्व्स थी वो पूरी डैमेज हो गई थी। क्या नाम है? प्रीति डोसी, जोधपुर से। अच्छा। तो स्वामी डॉक्टर साहब ने बोला था कि आपको इसका इलाज नहीं है, कोई चांस नहीं है, आप दवाई लेते रहो। लेकिन मैं एक बहुत सालों से आस्था चैनल देखती हूँ और मैंने एक भी एलोपैथिक टैबलेट नहीं ली, और मैंने वो इयरिंग जो अपना ईयर ग्रिट है और ड्रॉप है वो रेगुलर ड्रॉप लिया, 2-3 महीने तक डाला, और उस बात को एक साल हो गया, मेरा कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं 3-4 दिन में एक बार वो ड्रॉप डाल देती हूँ, और ऐसे ही मेरा आँखों में भी प्रॉब्लम था, आँखें भी एकदम ठीक हो गई है। लो स्वामी जी आप इस दुनिया के भगवान हो। चल
बहुत आशीर्वाद मेरी बहन प्रीति, आँख की नस डैमेज हुई आई ग्रिड से ठीक कर लो, कान की नस डैमेज हुई ईयर ग्रिड से ठीक कर लो। मैं तीसरी बार आई हूँ स्वामी जी, मम्मी को भी मेरे वो ब्रेन में ट्यूमर था, यहाँ रहे थे तब ठीक हो गया था, लेकिन जब हम वापस जोधपुर गए और वहाँ जाने के बाद वापस प्रॉब्लम हो गया था। उनको भी ज़्यादा योग करा? नहीं, अब ठीक है वो, और वो रेगुलर सारी जो टैबलेट्स हैं लेती रही, प्राणायाम करती रही, उससे बहुत फ़र्क आया। लेकिन ऑपरेशन कराया था, लेकिन अब उनको काफ़ी ठीक है। लेकिन मेरे कान में तो स्वामी जी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत सारे मैं आपकी सारी पतंजलि की जितनी भी प्रोडक्ट है। चलो खुश रहो प्रीति। अब ये जो विश्वास है ना, इस विश्वास को पराकाष्ठा पर जीवो आप लोग हैं, और पूरा करो तो बड़े से बड़े रोग भी कटेंगे।